पूरी कचौरी या पराठों के साथ खाने वाली इस अमेजिंग सी आलू की सब्जी को अभी तक आपने ट्राई नहीं करा है ना, तो एक बार ट्राई करके जरूर देखना। तो हे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब भी खैरियत से हैं। बिहार की ये फेमस सी आलू की सब्जी देखने में जितनी खूबसूरत लग रही है, खाने में भी उतनी ही चटपटी और मजेदार होती है। आपके घर में बड़े बच्चे सभी को पसंद आने वाली ये रेसिपी है और बनाना भी इसको उतना ही आसान है। तो एक बार इसको ट्राई करने के बाद मुझे फीडबैक जरूर दे देना, और रेसिपी पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब करे बगैर बिल्कुल मत जाना, और सब्सक्राइब करने के बाद बराबर में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी जरूर प्रेस कर लेना। बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी है, एक बार बनाओगे बार बार बनाओगे ये मेरी गारंटी है। और हाँ, रेसिपी पसंद आ जाए तो इसे अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स से भी जरूर शेयर कर देना। अक्सर मेरा संडे को कुछ अच्छा सा बनाने का दिल करता है ना, तो मैं सुबह नाश्ते में ये सब्जी जरूर ट्राई करती हूँ पराठों के साथ, साथ में अंडे का ऑमलेट हो जाए तो मज़ा ही आ जाता है। चलिए, तो तारीफ़ें हो गई, बहुत फटाफट से हम अपनी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। अब इस अमेजिंग सी रेसिपी को बनाने के लिए मैंने एक पैन के अंदर आधा कप मस्टर्ड ऑयल को पहले अच्छी तरीके से गर्म कर लिया, और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे एक मीडियम साइज़ की प्याज को फाइनली स्लाइस करके, और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर मिर्चें ऐड कीजिएगा। मैंने तकरीबन 5 मिर्चें ऐड करी हैं ड्राई, जो लाल ड्राई मिर्चें आती हैं ना वो वाली, ये तीखी वाली मिर्चें होती हैं, तो थोड़ा चटपटा सा टेस्ट इसी का आता है। अब इस प्याज को हमें फाइनली कंटिन्यूसली स्टर करते हुए फ्राई कर लेना है, गोल्डन फ्राई। अब इस रेसिपी का सबसे मेन पॉइंट है यही प्याज को परफेक्टली आपको फ्राई करके निकालना। ये अगर आपकी परफेक्ट तरीके से कलर आ गया ना प्याज के अंदर, तो आपकी सब्जी का कलर भी बहुत ही अमेजिंग सा आता है। तो इस प्याज को हम कंटिन्यूसली स्टर करते हुए ही फ्राई करेंगे, ताकि ये बिल्कुल भी कहीं से भी जले नहीं, चारों तरफ से इवनली प्रॉपर तरीके से कलर आए इसके अंदर। और प्याज को फ्राई करने के टाइम पे गैस की फ्लेम हमने बिल्कुल हाई रखी हुई है, तभी हम इसको कंटिन्यूसली स्टर कर रहे हैं, ताकि ये बिल्कुल भी कहीं से भी जले नहीं। अब जैसे इसका कलर हल्का सा चेंज होने लगेगा ना, हम क्या करेंगे, फटाफट से कर देंगे गैस की फ्लेम को सिम, क्योंकि जैसे ही इसका कलर चेंज होने लगेगा ना, अगर आपने हाई फ्लेम रखी तो इसका कलर बिल्कुल एक साइड से जलना शुरू कर देगा। यहाँ पर हमें बिल्कुल गैस की फ्लेम को सिम कर देना है, और इसको कंटिन्यूसली स्टर करेंगे ना तो ये बहुत ही प्यारा सा कलर ले आएगा। और जैसे इसका कलर हल्का सा देखिए पिंक होना शुरू हो गया ना, अब क्या करेंगे, हम लेंगे एक स्ट्रेनर इसी टाइम पे, और इसको चलाते हुए एक स्ट्रेनर के ऊपर निकालना शुरू कर देंगे। इससे क्या होगा कि हमारी प्याज बिल्कुल भी जलेगी नहीं। आप देख सकते हो प्यारा सा कलर आ गया है, हम फटाफट से इसको निकाल लेंगे ताकि हमारी प्याज बिल्कुल भी जले नहीं, और इसे ट्रांसफर कर लेंगे एक मिक्सी के जार में। अभी हम इस प्याज को साइड कर देते हैं, और यहाँ पर मैंने 3 बड़े साइज के आलूओं को लेकर के इस तरह से मोटे मोटे से डाइस के शेप में कट कर लिया है, रेक्टेंगल शेप में, डाइस नहीं, रेक्टेंगल शेप में इसको मैंने कट कर लिया। थोड़े मोटे साइज के ये आलू कटते हैं, और आलू को काटने का क्या तरीका दिखाऊं, ये तो सिंपल होता है, सभी को आता है आई थिंक, तो इसीलिए हम इसको अब इसी ऑयल के अंदर अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे। लेकिन इसको फ्राई करने के साथ साथ हम इसके अंदर ऐड कर देंगे हाथों हाथ 1 चम्मच भर करके जीरे का, और जीरे के साथ जब इसको आलूओं को आप फ्राई करोगे ना हाई फ्लेम के ऊपर, तो क्या होगा, इसके अंदर खुशबू लाजवाब आती है। 1 से 2 मिनट तेल के अंदर आलूओं को स्टर करने के बाद हम यहाँ पर नमक ऐड कर लेंगे। नमक यहाँ पर मैंने आधे चम्मच से ज़रा सा ज़्यादा लिया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर नमक ऐड कर सकते हैं। और हाथों हाथ प्यारा सा कलर आए ना, तो इसके लिए हम यहाँ पर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून के करीब हल्दी पाउडर। अब चूंकि हल्दी भी हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और रोल अदा करती है, इम्यूनिटी को बढ़ाती है, तो हल्दी को हल्का सा ऐड करना ज़रूरी हो जाता है किसी भी सब्जी के अंदर। इसके अंदर ना ऐड करते ही कलर भी बड़ा प्यारा हो जाता है, हमारे 2 काम हो जाते हैं। तो हम इसे हाई फ्लेम पे कवर करके इसको अच्छी तरीके से फ्राई करने देंगे, थोड़ा बीच बीच में खोल करके इसको चला लेंगे, ताकि ये बिल्कुल भी एक तरफ से लगे नहीं। और जैसे ही आपको लगे ना कि आलू आपके बहुत ही खूब ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है आलूओं में से, और आलू हल्के से डन हो रहे हैं, तो अब यहाँ पर क्या करना है, गैस की फ्लेम को थोड़ा सिम कर देना है, और थोड़ा लाल होने देना है इसको। अब जब तक हमारे आलू सेम फ्लेम के ऊपर अच्छी तरीके से फ्राई हो रहे हैं, क्रिस्पी होने तक और रेड होने तक, तब तक हम इसके अंदर प्याज के अंदर ऐड कर देंगे 1 चम्मच खड़ा जीरा और आधा चम्मच पिसी हुई काली मिर्च फ्रेश। अगर आपके पास फ्रेश पिसी भी ना हो ना, तो खड़ी काली मिर्चों को ऐड कर लीजिएगा, और हल्का सा पानी ऐड करके इसको पीस लीजिएगा बारीक, तो ये प्रॉपर तरीके से बारीक पिस जाएगी, क्योंकि मेरे पास काली मिर्च पिसी हुई थी इसलिए मैंने पिसी हुई ऐड कर ली। ये हमारा पेस्ट बिल्कुल तैयार हो गया, हम इसको साइड करते हैं और देख लेते हैं अब 2 मिनट के बाद अपने आलुओं को। यहाँ पर आलू भी तकरीबन हमारे प्रॉपर तरीके से डन हो चुके हैं, देख सकते हो आप इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है, नीचे से बिल्कुल प्यारा सा प्याजी सा कलर आने लगा है आलूओं के ऊपर। हमें क्या करना है, हमें कुछ भी नहीं करना, इसके अंदर तेल बहुत एक्सेस है, तो हम एक स्ट्रेनर लेंगे और इस तेल को यहाँ पर हम छान लेंगे। इससे क्या होगा कि हमारी सब्जी के अंदर जितना भी तेल है ना, वो सारा का सारा रिमूव हो जाएगा। आप चाहो तो थोड़ा सा पैन के अंदर तेल को छोड़ सकते हो,
लेकिन अगर आप पूरा प्रॉपर तरीके से मेहंदी दाना निकालना चाहते हो तो निकाल देना। बाद में अगर आपको लगे कि थोड़ा सा हमें चम्मच एक चम्मच के करीब इसके अंदर तेल डालना है तो ऊपर से ऐड कर सकते हैं ये तेल हम। और जो तेल हमने निकाला है वो हम किसी सालन वगैरह में इस्तेमाल कर लेंगे दूसरे। अब हम क्या करेंगे, इस आलूओं को वापस से पैन के अंदर ट्रांसफर करेंगे और ऐड कर देंगे वो जो पेस्ट हमने प्याज का बना के रखा है ना, फ्राइड ऑनियन का, वो यहाँ पर ऐड कर लेंगे। थोड़ा सा पानी जार में ऐड करेंगे और जार को भी अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद हम पानी के साथ इसको ऐड कर लेंगे अपने आलूओं में। और अगर आप यहाँ पर नमक टेस्ट करना चाहते हैं फौरन ही नमक टेस्ट कर लीजिए, और साथ में अगर आपको लग रहा है कि हल्का सा तेल डालना है तो यहीं पर आप हल्का सा तेल भी ऐड कर सकते हैं। कवर कीजिए और धीमी आंच के ऊपर इसको पकने के लिए छोड़ दीजिए। लाजवाब सी सब्जी आप देखिएगा 5 मिनट के अंदर आपकी रेडी हो जाएगी। जितनी आसान और मज़ेदार ये देखने में लग रही है ना, खाने में उसका जस्ट डबल इसका टेस्ट होता है। आप देख सकते हो आलू हमारा प्रॉपर तरीके से गल चुका है। और आलू की कोई भी सब्जी अगर आप बना रहे हो ना तो एक आध आलू को इसी तरह से मैश जरूर कर दिया करो आलू की सब्जी के अंदर। इससे क्या होता है कि आपकी आलू की सब्जी का जो टेक्सचर होता है ना वो ज़बरदस्त हो जाता है। नमक यहाँ पर हम टेस्ट कर लेंगे, अगर आपको कम लगे तो यहाँ पर नमक भी आप ऐड कर सकते हैं। और हाँ, इसको कवर करेंगे 2 मिनट के लिए, इसको गर्मा गर्म छोड़ देंगे सेम आँच के ऊपर। और लाजवाब सी सब्जी हमारी हो गई है बिल्कुल रेडी। अब आप इसको पूरी नान पराठे किसी के साथ भी सर्व करो, सच बता रही हूँ आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। तो एक बार इसको ज़रूर ट्राई करके देखना। और अंडे का आमलेट बना दिया ना तो बस मत ही पूछो, आपका संडे का मज़ा आ जाएगा। अक्सर संडे को तो मैं यही सब्जी बनाती हूँ, और इसके साथ अंडे का आमलेट हो जाए और गर्मा गर्म पराठे, तब तो भाई घर में मज़े आ जाते हैं सबके। तो आप भी ज़रूर ट्राई करके देखना, और अगर चाहो तो इसके साथ सूजी का हलवा बना देना। और सूजी के हलवे की रेसिपी भी मेरे पास काफ़ी सारी हैं, अगर आप चाहो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वो भी जाके चेक कर लेना। बहुत ही आसानी के साथ कैसे बन जाएगा घर के अंदर ज़बरदस्त सा सूजी का हलवा, बिल्कुल हलवाइयों जैसा। तो चलो हमारी रेसिपी तो हो गई बिल्कुल फटाफट से तैयार। आप कब बना रहे हो मुझे ज़रूर बताना, और रेसिपी पसंद आए तो उसे अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर कर देना। और बनाने के बाद मुझे अपना फीडबैक भी ज़रूर देना। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करे बगैर बिल्कुल भी मत जाना। चलिए तो अपनी दोस्त को दीजिए इजाज़त, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी नई नई आसान सी रेसिपीज़ और वीडियोज़ के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में बहुत 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 याद रखिए, अल्लाह हाफिज़। और हाँ, एक ज़रूरी बात, आप इसके अंदर हरा धनिया नहीं भी डालोगे ना तब भी ये ज़बरदस्त फ्लेवर देगा आपको।